आपने बीबीए सिलेक्ट किया, चलो ठीक है, वो स्टोरी बहुत ज्यादा फनी थी, लेकिन ये गुड नाइट जानो वाली स्टोरी क्या है आपने? ओह माय गॉड, आई एम लिविंग डूड, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल, ओह नो 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 नो, ये किसने लीक्स दिया है आपको, व्हाट द हेल डूड, व्हाट द हेल, ये कोई तो इनसाइडर है मेरी लाइफ का जो आपको ये प्रोवाइड किया है? Who is that guy? Please tell me, dude. ये ऑफ द शो बताया जाएगा आपको हमने कहां से ये सारा डेटा निकाला है, बट बात ये थी, ये कॉलेज लाइफ वाजंट इजी, आपने बताया था कि आपके इतने ज्यादा दोस्त नहीं थे कॉलेज में, बट देन आपने एक बार एक रात को इतनी नींद में थे कि गुड नाइट जानो इंस्टेड ऑफ टेक्सटिंग दिस टू योर गर्लफ्रेंड, नो डूड नो, आपने क्लास के ग्रुप में टेक्स्ट कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? Oh God. I'm not impressed now. I shouldn't have said that. All right. So basically, at that time I was in a relationship with a girl, and I was like, relationship ko bhi kafi zyada time ho gaya tha. Time ke saath saath, you know, ab thoda dhyan kam dene lagte ho. Mama bhai, agar aapko malum hoga to, you know, after 1 year, so aap ek saal ke baad to hota hai kahin na kahin. You know, ke aap थिंग्स को कभी कभी कैजुअली लाइटली ले लेते हो, तो मेरे साथ भी वो एक इंसिडेंट हुआ था. एक्चुअली आई डिडंट मेंट इट इंटेंशनली, बट वो हो गया मेरे साथ. तो माय एक्स गर्लफ्रेंड मैसेज मी के आई एम गोइंग टू स्लीप, एंड वो यार गुड नाइट वाला मैसेज जो भी था एंड ऑल दोस थिंग्स. सो मैंने भी रिटर्न में, मेरी आंखें भी बंद हो रही थी वो यार, मैं बहुत थका हुआ था उस टाइम पे, मेरी आंखें बंद हो रही थी, एंड आई चेक माय मैसेज, एंड मैं मैसेज कर रहा था, आंखें बंद थी, और उसी टाइम मेरे ख्याल से कॉलेज ग्रुप का है ना कोई मैसेज आया होगा, तो यू नो हाउ व्हाट्सएप वर्क, कि कोई भी मैसेज आता है तो पहले ऊपर चला जाता है. सो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का मैसेज जो है ना वो नीचे चला गया, और कॉलेज ग्रुप वाला मैसेज जो है ना ऊपर आ गया, और उसी वक्त मैंने कॉलेज ग्रुप वाले मैसेज पे क्लिक कर दिया, एंड वहां पे मैंने देखा नहीं कि ये तो यार कॉलेज का ग्रुप है. फिर बाद में उस पर मैसेज कर दिया, ओके आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्लीप, गुड नाइट जानू. और फिर आफ्टर 2 मिनट्स आई गेस आई रियलाइज्ड, वेट, मैंने कुछ तो गलत किया है. मैंने फिर से फोन खोला और मैंने देखा, ओह नो डूड, आई वाज लाइक डूड, ओह गॉड. और फिर बाद में मैंने वही कॉलेज ग्रुप में मैसेज किया, ओह गाइस इट वाज अ प्रैंक, मैंने मैसेज डिलीट किया, एंड तब तक के लिए लेट हो चुका था बहुत, एंड दे सेड ओह गुड नाइट जानू. ओके मतलब इधर हमको बंदियां नहीं मिल रहे, भाई को देखो गुड नाइट जानू कर रहे हैं. बट एंड द नेक्स्ट डे, एंड द नेक्स्ट डे इन कॉलेज, मैं मतलब इवन गर्ल्स ऑफ माय क्लास ना, मेरे ग्रुप की क्लास की गर्ल्स जो थी वो बाहर निकलते वक्त दे वर लाइक ओके गुड नाइट जानू बाय. सो आई वाज लाइक डूड ओह गॉड, इट वाज अ हॉरिबल मिस्टेक. कवर अभी इतना गंदा कि प्रैंक था, प्रैंक थोड़ी बोल उसको बोलते थे, डेयर था, तो भी शायद कवर अप हो जाता, लेकिन कवर अप हुआ नहीं वहां पे. देखो मामा भाई, एक्चुअली दैट वाज 2015. अरे एंड यू नो हाउ एडवांस इंटरनेट वाज एट 2015. हां बराबर, सिर्फ फेसबुक था हमारे पास सोशल मीडिया के नाम पे. फेसबुक था बराबर. तो उस वक्त इतना दिमाग में नहीं आता है, वो हो गया हो गया वो जमाना भी वो था.